हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द डिजाइनर गैलरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल कलर का है ये डिजाइन। ये डिजाइन बहुत ही प्यारा डिजाइन है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप खुद देख सकते हैं कि कितना प्यारा डिजाइन है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसे आप लेडीज स्वेटर में डाल सकते हैं, लेडीज कार्डिगन में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस डिजाइन को। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक सिलाई में फंदे डाल रखे हैं। इसमें मैंने 27 फंदे डाले हैं, जिसमें 25 फंदे जो है वो डिजाइन के हैं और 2 फंदे जो हैं वो हमारे एज स्टिच के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। एक फंदे को हमने एज स्टिच उतार लेना है। फंदा आगे करेंगे, एक दो, दो फंदों को हमने उल्टा बनाना है। फंदा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, अब एक दो, दो फंदे उल्टे, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, एक दो, दो फंदे उल्टे, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, एक दो, दो फंदे उल्टे, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, एक दो, दो फंदे उल्टे, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से फंदा आगे करेंगे और एक दो, दो फंदे उल्टे, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, एक दो, दो फंदे उल्टे, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, एक दो, दो फंदे उल्टे, फंदा पीछे, एज स्टिच को सीधा बना देंगे। ये हमारी फर्स्ट रो थी फ्रेंड्स। ये फर्स्ट रो हमारी राइट साइड की बुनाई थी। अब हम सेकेंड रो रॉन्ग साइड में हम आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, एक फंदा जो है वो हमने एज स्टिच उतार लेना है। दो फंदों को जिसे हमने आगे से उल्टा बनाया था उसे हमें पीछे से सीधा बनाना है। और एक फंदे को देखिए, एक फंदे को हमें उल्टा बनाना है, फिर से दो फंदे को सीधा बनाना है, एक दो, फंदा आगे, एक फंदा सीधा, फिर से फंदा पीछे करेंगे और दो फंदे को, एक दो, दो फंदे को सीधा, फंदा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे, एक दो फंदे सीधे, फंदा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर से फंदे पीछे करेंगे और देखिए दो फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर से फंदा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर से दो फंदा, एक दो, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक दो, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर से फंदा पीछे, एक दो, दो फंदा सीधा, फंदा आगे और एक फंदा उल्टा। ये हमारी दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। और फिर से हम थर्ड रो में आ गए हैं राइट साइड में। ये बुनाई को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कैसे बनाना है। एक फंदे को हमने एज स्टिच उतार लेना है। फंदा आगे करेंगे और एक दो, दो फंदे को हमने उल्टा बना लिया, फंदा पीछे करेंगे। अब देखिए क्या करना है, ये जो देखिए सीधी बुनाई जो हमारी है, इसमें से हमें बैक लूप से, देखिए बैक लूप से हमें एक फंदा निकालना है ऐसे करके, और फिर से आगे के लूप से हमें एक और फंदा निकालना है, फिर से फंदा आगे करेंगे और आगे के ही लूप से हमें एक फंदा और निकालना है। ये हमारे चार फंदे जो हैं, एक फंदे में से हमने चार फंदों को निकाला है। फिर से फंदा आगे करेंगे और एक दो, दो फंदे को उल्टा बना लिया, फंदा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक एक जो सीधा फंदा था इसमें से चार फंदे को निकाला है, दो फंदे को उल्टा बनाया, फिर से एक फंदे को हमने सिंपल बना लिया है, सिंपल सीधा बनाया है।
से फंदा आगे करेंगे और एक दो, दो फंदे को उल्टा बना लेंगे और फिर से फंदा पीछे करेंगे और फिर से यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। ये जो सीधा फंदा है ना, इसमें से देखिए बैक लूप से एक फंदा निकाला, फिर से आगे की लूप से हमने एक फंदा निकाला, फिर से फंदा आगे करेंगे और फिर से आगे की लूप से ही हम एक फंदा और निकालेंगे। देखिए एक फंदे में से चार फंदे हो गए और फंदा आगे करेंगे, दो फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं, फिर से फंदा पीछे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। देखिए यहाँ पे एक सीधे फंदे में से हमने चार फंदे को निकाला है और फिर से दो फंदे को उल्टा बनाया, फिर एक फंदा जो है हमने सिंपल सीधा बनाया, फिर से दो फंदे को उल्टा बनाया, फिर से जो सीधा वाला फंदा था उसमें से हमने चार फंदे निकाले और फिर से हमने दो फंदे उल्टे बनाए, फिर से एक फंदा सीधा बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक एक जो सीधा फंदा उसमें हमने डिजाइन बनाना है और एक सीधा फंदे को हमने ऐसे सिंपल ही सीधा बनाना है। तो फिर से फंदा आगे करेंगे और एक दो, दो फंदे जो है हमारे उल्टे, फंदा पीछे। अब देखिए फिर से यहाँ पे सिंपल सीधा बनाया तो इस वाले सीधे फंदे में से हम चार फंदे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से चार फंदे निकालेंगे, फंदा आगे करेंगे और एक दो, दो फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं, फंदा पीछे, एक फंदा हमने सिंपल सीधा बनाना है और फिर से फंदा आगे करेंगे, एक दो, दो फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं, फंदा पीछे। अब देखिए इस लूप में से हमें चार फंदे निकालने, एक दो, फंदा आगे और देखिए चार फंदे, फंदा आगे करेंगे और दो फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं ऐसे करके, फिर से फंदा पीछे, एजस्टिस को हमने सीधा बना लेना है। ये थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम फोर्थ रो रॉन्ग साइड में आए हैं, तो रॉन्ग साइड में हमें कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। एक फंदा हमने एजस्टिस उतार लिया और दो फंदे जो हमारे आगे से जो उल्टे बन रहे हैं उसे हमें रॉन्ग साइड से सीधा बना लेना है। देखिए सीधा बना लिया, फंदा आगे। अब देखिए फ्रेंड्स जिस एक फंदे में से हमने चार फंदों को निकाला है उन चारों फंदों को हमने उल्टा बना लेना है। दो, तीन, चार, चार फंदे हमने उल्टे बना लिए, फंदा पीछे किया और दो फंदे सीधे और फंदा आगे करेंगे, एक फंदा हमने उल्टा बनाना है, फिर से फंदा पीछे करेंगे और एक दो, दो फंदे हमने सीधे बना लिए, फंदा आगे। अब देखिए फिर से हमने एक फंदे में से चार फंदे जो निकाले थे उसमें से हमें चार फंदे ऐसे करके उल्टे बना लेने हैं, फंदा पीछे, एक दो, दो फंदे सीधे, फंदा आगे, एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे, एक दो, दो फंदे सीधे, फंदा आगे, एक दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे, फंदा पीछे, एक दो, दो फंदे सीधे, फंदा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर से एक दो, फंदे सीधे, फंदा आगे। अब देखिए चार फंदे, एक दो, चार, चार फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं और दो फंदा सीधा, फिर से फंदा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा। देखिए हमारी फोर्थ रो है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिफ्थ रो में आए हैं, तो फिफ्थ रो में हमें कैसे बनाना है। एक फंदा हमने एज स्टिच उतारा और दो फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ एक फंदे में से हमने कितने फंदे निकाले, चार फंदे, तो चारों को हमने सीधा बना लेना है, एक दो, तीन, चार, फंदा आगे, एक दो, दो फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं, एक फंदा सीधा, फिर से फंदा आगे करेंगे। अब देखिए एक दो, दो फंदे उल्टे, फंदा पीछे। ये हमारी फिफ्थ रो है फ्रेंड्स, ध्यान रहे। देखिए थोड़ा स्पीड में बना लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो एक फंदा हमने सीधा बना लिया, फंदा आगे किया, एक दो, दो फंदे उल्टे और चार फंदे जो हैं हमारे वो सीधे,
देखिए इस तरह से सीधे बन जाएंगे, फंदा आगे करेंगे और एक दो दो फंदे उल्टे, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से फंदा आगे करेंगे, एक दो दो फंदे उल्टे, फिर से फंदा पीछे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, फंदा आगे, एक दो फंदे उल्टे, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा। ये फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सिक्स्थ रो जो है वो रॉन्ग साइड, तो रॉन्ग साइड की बुनाई जो है हमारी, दो फंदे सीधे देखिए ऐसे और चार फंदे उल्टे, जिन एक फंदे में से चार फंदे हमने निकाले थे उसे उल्टा बनाना है और दो फंदे सीधे, फिर से फंदा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से देखिए इस तरह से बनके कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ भी चार फंदे हैं उल्टे, तो चार फंदे उल्टे बनाएंगे। ये सिक्स्थ रो है हमारी। अब देखिए एक दो, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर से दो फंदे सीधे, फंदा आगे करेंगे और एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, एक दो, दो फंदे सीधे, फंदा आगे, एक फंदा उल्टा, एक दो, दो फंदे सीधे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, फिर से एक दो, दो फंदे सीधे। अब देखिए सिक्स्थ रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए सेवन्थ रो में। सेवन्थ रो में कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेवन्थ रो में हमारा पैटर्न जो है वो रिपीट एंड चेंज होगा, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए एक फंदा हमने एज स्टिच उतार लिया और एक दो, दो फंदे हमने उल्टे बना लिए, फंदा पीछे करेंगे। अब देखिए इस दोनों फंदों को ऐसे टर्न करेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे, इन दोनों फंदों को एक साथ बुन के एक फंदा कर लेंगे और अब इन दोनों फंदों को इनके ऊपर से वन बाई वन करके ऐसे करके स्लिप कर लेंगे। देखिए इस तरह से स्लिप कर लेंगे, फिर से फंदा आगे करेंगे और एक दो, देखिए दो फंदे हमने उल्टे बना लिए, फंदा पीछे करेंगे। अब जो देखिए फ्रेंड्स ये एक ये सीधी जा रही थी एक फंदे, तो इस फंदे में से हमें चार फंदे निकालने, एक दो फंदा आगे करेंगे और आगे के लूप में से एक फंदा निकालेंगे, तो देखिए चार फंदे ये हो गए, फंदा आगे करेंगे और दो फंदे देखिए इस तरह से उल्टा बना लेंगे, फिर से फंदा पीछे करेंगे और इन दोनों फंदों को ऐसे करके राइट निडल में ले लेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे, फिर से इन दोनों फंदों को एक वन बाई वन करके इसके ऊपर से, इस एक फंदे के ऊपर से स्लिप कर लेंगे, फंदा आगे करेंगे। अब देखिए एक दो, दो फंदे उल्टे, अब फिर से देखिए बैक लूप से एक फंदा निकाला और आगे की लूप से एक फंदा निकाला, फंदा आगे किया, फिर से आगे की लूप से एक फंदा निकाला, तो ये चार फंदे हो गए। अब देखिए एक दो, दो फंदे हमारे उल्टे, फंदा पीछे, एक दो, अब देखिए इन दोनों फंदों पर से ऐसे करके स्लिप कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये सेवन्थ रो का एक पैटर्न है और सिक्स रो का जब कंप्लीट हो जाएगा, तो जब सेवन्थ रो आएगी तो वहाँ हमारे जो डिजाइन है वो रिपीट एंड चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए अब फिर से हमने ऐसे करके दो फंदों को ऐसे टर्न कर लेना है और इन दोनों फंदों को, इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे करके स्लिप कर लेना है, फंदा आगे करेंगे और एक दो, अब देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से ये डिजाइन पैटर्न बनता जाएगा और जब भी सेवन्थ रो आएगी तो अब फिर से उसी तरह से बनेगा और जब सेवन्थ रो आएगी तो इस फ्लावर पे फिर से फ्लावर बनना स्टार्ट होगा। जैसे कि आप इस डिजाइन में देख सकते हैं कि इसके बाद इस यहाँ बना है, फिर से इसके बाद यहाँ पे बना है और फिर इसके बाद यहाँ पे बना है, तो इस तरह से ये डिजाइन बन के कम्प्लीट होगा। आई होप कि आप लोगों को ये
ये डिजाइन काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।